My name is Ajay Singh and I have secured All India rank 377 in GATE 2019 from Mechanical Engineering. तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं अपना. तो दिस इज़ द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वट इज़ द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ प्लेन वॉल इन केस ऑफ प्लेन वॉल इन केस ऑफ हीट जनरेशन. ठीक है, हीट जनरेशन के केस में हमने टेम्परेचर प्रोफाइल पढ़ी थी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन वॉल्स के डिफरेंट केसेस के बारे में. ठीक है, केसेस के हिसाब से. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तीन केसेस हमने पढ़े थे प्लेन वॉल के. ठीक है, डिफरेंट केसेस थे. पहला था जब बोथ साइड्स आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर. ठीक है, टी वन एंड टी टू आर डिफरेंट टेम्परेचर. बोथ साइड्स आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर. एंड थर्ड केस वॉज वन साइड वॉज इंसुलेटेड. ठीक है, तो इन तीनों केसेस के लिए हमने पढ़ा था कि क्या टेम्परेचर कैसी किस तरह की टेम्परेचर प्रोफाइल बनती है. ठीक है, कहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर आता है. ठीक है, सरफेस टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, ये सब हमने पढ़े थे. तो इसी के कंटिन्यू आगे जो हमें पढ़ना है वो अब हमें पढ़ना है एक तो सिलेंडर के केस के लिए और दूसरा जो पढ़ना है वो स्फीयर के केस के लिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो जो नेक्स्ट केस जो होने वाला है वो हमारा केस फोर जो होने वाला है, दैट इज़ ऑल अबाउट टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ हीट, टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ इन केस ऑफ सिलेंडर इन केस ऑफ हीट इंटरनल हीट जनरेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो जो केस फोर है, हीट जनरेशन इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड सरफेस मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हीट जनरेशन का केस है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ अ केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, सिलेंडर जो है वो आपका हॉलो नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है. ठीक है, द थर्ड थिंग इज द सर्फेसिज आर मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. जो उसकी सर्फेसिज हैं वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपका एक सिलेंडर बनाया है. ठीक है, दिस इज़ योर सिलेंडर. ठीक है, दिस इज़ योर सेंटर लाइन. ठीक है, जो सर्फेसिज है वो टी एस टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है. दिस इज़ आर इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस सर्फेस इज आर इक्वल टू कैपिटल आर. अब इन केस ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन, बिकॉज ऑल द सर्फेसिज आर जो सारी सर्फेसिज हैं सिलेंडर की वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है, तो आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तो बीच में ही आएगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन. बिकॉज क्या है, इंटरनल हीट जनरेशन का केस है, और बिकॉज द जो हमारा जो सिलेंडर है वो सिमेट्रिक है अबाउट सेंटर लाइन, तो जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाला है वो कहाँ पे आने वाला है, वो आपकी सेंटर लाइन पे आने वाला है, दैट इज़ योर एक्सेस. ठीक है, उसकी एक्सेस पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वहाँ पे आने वाला है. तो अगर शुरू करते हैं डेरिवेशन. तो ड्यू टू सिमेट्री द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एट स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फूरियर सेकेंड लॉ. ठीक है, दिस इज़ फूरियर सेकेंड लॉ फॉर सिलेंडर. तो ये क्या है, वन बाय आर डेल बाय डेल आर ब्रैकेट में आर डेल टी बाय डेल आर प्लस क्यू जी बाय के इज इक्वल टू वन बाय अल्फ़ा डेल टी बाय डेल टी. ठीक है, तो इसमें क्या है, स्मॉल आर इज़ द रेडियस. ठीक है, कैपिटल टी इज़ द टेम्परेचर, स्मॉल टी इज़ द टाइम, क्यू जी इज़ द हीट जनरेटेड. ठीक है, के इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, अल्फ़ा इज़ द थर्मल डिफ्यूजिविटी. ठीक है, तो अल्फ़ा क्या आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी है. तो देखो, सिंस इट इज़ अ केस ऑफ स्टडी स्टेट, तो आपका जो डेल्टी बाय डेल्टी है वो ज़ीरो हो जाएगा. क्यों होगा ज़ीरो, बिकॉज इन केस ऑफ स्टडी स्टेट द थिंग्स आर नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, ना टेम्परेचर ना एनर्जी. ठीक है, सो दिस केस सो डेल्टी बाय डेल्टी इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. ठीक है, रिमेनिंग टर्म्स को हम एज इट इज़ लिखते हैं, रीअरेंज करेंगे टर्म को. तो लेफ्ट साइड पे आपका बचेगा डेल बाय डेल आर ब्रैकेट में आर डेल्टी बाय डेल आर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस क्यू जी बाय के इंटू स्मॉल आर. ये स्मॉल आर कहाँ से आया, दिस इज़ फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये जो ये आर है ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका यहाँ पे आ गया क्यू जी माइनस क्यू जी आर बाय के. ठीक है, अब
इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस टर्म इंटीग्रेटिंग। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जब इंटीग्रेट करेंगे तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी, ये टर्म हट जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, एंड दिस टर्म इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन, एक कॉन्स्टेंट सी वन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर नेक्स्ट स्लाइड। तो आपने इंटीग्रेशन किया कर चुके हैं, तो लेफ्ट साइड पे बचा आर डेल टी बाय डेल आर, राइट साइड पे बचा माइनस क्यू जी बाय टू के था, क्यू जी बाय के ऑलरेडी था, आर बाय आर स्क्वायर बाय टू आ गया प्लस सी वन, एक कांस्टेंट आ गया सी वन। ठीक है, अब आपको हमको फाइंड आउट करना है कांस्टेंट सी वन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए सिलेंडर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन थी, ये सरफेस टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर हमें पता है साइड बीच पे आने वाला है बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, तो एट आर इजल टू ज़ीरो, आर इजल टू ज़ीरो सेंटर पे जो हमारा डेल टी बाय डेल आर होगा, ठीक है, ये जो स्लोप होगा टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस वो जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, बिकॉज जो टेम्परेचर है यहाँ पे से पहले इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, फिर अगेन डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टेशनरी पॉइंट आपको मिलेगा, तो दिस फॉर बिकॉज ऑफ दिस डेल टी बाय डेल आर इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन में आपकी वैल्यू पुट करेंगे एट आर इज इक्वल टू जीरो, डेल टी बाय डेल आर इज इक्वल टू जीरो, आपको कांस्टेंट वन आ जाएगा, सी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कांस्टेंट वन आपका आ चुका है इस इक्वेशन में, सी वन को हम जीरो पुट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे, तो बचेगा लेफ्ट साइड पर बचेगा डेल टी बाय डेल आर, ये आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आर बचेगा, तो राइट साइड बचेगा माइनस क्यू जी आर स्मॉल आर अपॉन टू के। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग, दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं इस स्टेप से, दिस फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप इंटीग्रेट करेंगे, तो डेल टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, माइनस क्यू जी आर बाय टू के का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर डेल आर इज गोइंग टू बी क्यू जी आर स्क्वायर बाय फोर के प्लस अनदर कॉन्स्टेंट सी टू। ठीक है, तो अब हमको सी टू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो है हमको क्या फाइंड आउट करना है, सी टू। तो सी टू के लिए एक और बाउंड्री कंडीशन लगानी है, तो वो दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, आपको पता है वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होने वाला है, सरफेस टेम्परेचर के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर रहे हैं और टी की जगह टी एस। ठीक है, तो जब हम ये पुट करेंगे तो टी एस इजल टू माइनस क्यू जी कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर के प्लस सी टू, यहाँ से आपकी सी टू की वैल्यू आ जाएगी। सी टू की वैल्यू क्या आ रही है, सी टू इजल टू टी एस प्लस क्यू जी आर स्क्वायर बाय फोर के। ठीक है, तो अब आपकी जो सी टू की वैल्यू आ चुकी है वो आपको इक्वेशन वन, इस इक्वेशन वन में आपको पुट करनी है सी टू की वैल्यू। तो जब आप इक्वेशन वन में सी टू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये टर्म आपको मिलने वाला है, टी इज इक्वल टू माइनस क्यू जी आर स्क्वायर बाय फोर के प्लस टी एस प्लस क्यू जी आर स्क्वायर बाय फोर के। ठीक है, नेक्स्ट टी एस को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बचेगा, टी माइनस टी एस इज इक्वल टू क्यू जी आर स्क्वायर बाय फोर के ब्रैकेट में वन माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल हमारी ऑलमोस्ट आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एट जो सेंटर लाइन पे हमें पता है सेंटर लाइन पे मैक्सिमम टेम्परेचर हमको मिल रहा है सेंटर लाइन पे। ठीक है, तो इफ़ वी आर गोइंग टू पुट, इफ़ हम इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन इफ़ वी पुट आर इक्वल टू जीरो, तो हमको जो टी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, टी मैक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एट आर इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी मैक्स, तो हमें को इक्वेशन मिल गई, टी मैक्स माइनस टी एस इज इक्वल टू क्यू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर के। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इनके फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल डायरेक्ट इस इक्वेशन से आते हैं। ठीक है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको सिंपली सरफेस टेम्परेचर की वैल्यू दी होगी, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू दी होगी, कैपिटल आर की वैल्यू दी होगी, के दिया होगा, आपको सिंपली टी मैक्स पूछा जाएगा। देखो जो गेट में न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, सिंपली जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, बट इन लेकिन शर्त क्या है कि आपको जो फार्मूला है उससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से फैमिलियर होने का मतलब क्या है कि आपको उस फार्मूला में पता होना चाहिए कि वो फार्मूला किस चीज़ के लिए, या फिर उसमें की कंडीशंस क्या है। जैसे अगर मैं आपको, जैसे देखो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना
शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले ही लिखने होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, फॉर्मूले लिखने होते हैं, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी। तो देखो आप जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप जैसे मान लो ये फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिखा टी मैक्स माइनस टी एस क्यू जी इज इक्वल टू क्यू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड 4 के, ये फॉर्मूला आपने लिखा, ठीक है, लिख दिया। तो इसके साथ आपको और चीज़ें थ्योरी क्या लिखनी है कि ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है उसका डायग्राम, ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है इन केस ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन फॉर सिलेंडर, ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखनी है। और टी मैक्स टी एस क्यू जी आर आर और के, ये इन्हीं सिंबल किस चीज़ के हैं, क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको डायग्राम में बिल्कुल पता क्लियरली पता होना चाहिए, बिकॉज इन केस एग्ज़ाम के केस में क्या होता है, एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको सिंपल एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, उसमें सिर्फ सिलेंडर नहीं बुलाओगा, उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं जो सिलेंडर के जैसा दिखता हो। जैसे अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें मीट रोल की बात की, ठीक है, तो आपको मीट रोल की बात आते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि हाँ इट इज़ केस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि मीट रोल क्या है, कैसा शेप है, इट इज़ अ शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और कौन सा शेप है, सॉलिड सिलेंडर। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको इस तरीके से बनाना है कि आपको फॉर्मूले के साथ पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला मुझे यूज़ कहाँ कहाँ करना है और कौन कौन सी कंडीशंस में करना है, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट नोट्स के बारे में हो गया, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन टू है आपकी, एक सेकेंड, दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है, दिस इज इक्वेशन थ्री। इक्वेशन टू को आप इक्वेशन से थ्री से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी, दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, ओके, टी माइनस टी एस अपॉन टी मैक्स माइनस टी एस इज इक्वल टू 1 - r² / r² कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जैसे ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, आपको जब आप ये इक्वेशन लिखोगे तो ये इसका इक्वेशन का यूटिलाइज कहाँ होगा, ये इक्वेशन तब यूटिलाइज होगी अगर आप तुम थोड़ा एक बार वीडियो को पॉज कर लो, खुद सोचो कहाँ यूटिलाइज होगी। तो देखो ये इक्वेशन वहाँ यूटिलाइज होगी जब आपको किसी भी अननोन रेडियस पे इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर हीट जनरेशन इन सॉलिड सिलेंडर आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मान लो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, आपको सारी वैल्यूज़ दी हैं, सरफेस टेम्परेचर की वैल्यू दी है, मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू दी है, हीट जनरेटेड की वैल्यू दी है, ठीक है, और आपको इसका रेडियस भी दिया है, कैपिटल आर भी दिया है, ठीक है। आपको पूछ दिया जाए कि एट एनी डिस्टेंट आर स्मॉल आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना होगा, तो उस केस में आपको ये फार्मूला यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। वैसे ये बहुत कम यूज़ होता है अभी तक जो न्यूमेरिकल्स मैंने देखे हैं गेट में, मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया इससे, लेकिन आ सकता है, ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि एट आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे क्या टेम्परेचर होने वाला है, तो फॉर देयर यू हैव टू यूटिलाइज दिस फार्मूला, और यू कैन यूटिलाइज दिस फार्मूला ऑल्सो, बट ये कभी यूज़ करोगे जब आपको टी मैक्स नहीं दिया है। इनकेस टी मैक्स एंड टी एस इज गिवन देन यू हैव टू यूटिलाइज दिस फार्मूला, इनकेस क्यू जनरेटेड इज गिवन, ठीक है, क्यू जनरेटेड गिवन है, वैल्यू गिवन है, तो बिल्कुल आप ये डेफिनेटली वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो आराम से, ये हमने यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल बना दिया इन केस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो दिस इज़ योर सरफेस टेम्परेचर एंड दिस इज़ योर टी मैक्स, ठीक है। अब एक बात, जब मैंने हीट ट्रांसफर लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हीट ट्रांसफर होती है किसकी वजह से होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और किस डायरेक्शन क्या होती है हीट ट्रांसफर की, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, देखो जो टी मैक्स है वो टी एस से ज़्यादा है, तो आपकी जो भी हीट होने वाली है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होने वाली है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपकी हीट फ्लो होने वाली है, दिस मीन्स कि आपकी कोई भी हीट जो है वो इनसाइड फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनर्जी बैलेंस लगाई, क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस क्यू जनरेटेड इज इक्वल टू क्यू स्टोर्ड, ठीक है। तो क्यू इन आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों होगा जीरो, बिकॉज टी मैक्स आपका क्या है, इनसाइड द बॉडी आ रहा है, तो आपकी जो भी हीट है वो सेंटर से आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने वाली, ठीक है, कोई भी जो हीट है वो इनसाइड नहीं जाएगी, बॉडी के इनसाइड नहीं जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द एनर्जी बैलेंस फॉर द बॉडी ओनली, ठीक है। क्यू स्टोर्ड आपका जीरो होगा ऑलरेडी, क्योंकि हमने एजम्पशन ये से माने क्या क्या एजम्पशन माने, कि हमारा जो बॉडी है वो स्टडी स्टेट में, ठीक है। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो आपके यहाँ क्या बचे, क्यू जनरेशन इज इक्वल टू क्यू आउट, ठीक है। क्यू जनरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू जनरेशन सिंस इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक फिनोमेना इट कैन बी रिटन एज QG, स्मॉल QG इनटू वॉल्यूम, वेयर स्मॉल QG इज
हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल हीट जनरेटेड को मैं क्या लिख सकते हैं, क्यू जी इंटू वॉल्यूम। क्यू आउट को क्या लिख सकते हैं, एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है, एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। वट इज़ टी इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है, एंड ए इज़ द, ए इज़ द सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। मतलब जो इसकी ये सर्फेस है, जो सिलेंडर की ये सरफेस है ना आउटवर्ड, यहाँ से कितनी हीट फ्लो आउट हुई है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, क्यू जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इज इक्वल टू एच इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर एल, रिमेनिंग टर्म टी एस माइनस टी इन्फिनिटी एज इट इज रख दिया। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल। तो रिमेनिंग टर्म आपके क्या बचा, क्यू जी इज इक्वल टू टू एच बाय आर टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज योर रिमेनिंग टर्म। अगेन रीअरेंज करेंगे तो टी एस माइनस टी इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू क्यू जी आर बाय टू एच, ठीक है। तो इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे तो टी एस कैन बी रिटन एज टी एस इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी प्लस क्यू जी बाय क्यू जी आर बाय टू एच। तो देखो आपको ये जो फॉर्मूला है आपको ये भी याद करना है, ठीक है। तो आपको मैंने मेनली यहाँ पे तीन फॉर्मूले बता दिए हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, अभी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, एक सेकेंड मैं ऊपर ले आता हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है। टी मैक्स माइनस टी एस इज इक्वल टू क्यू जी आर स्क्वायर बाय फोर के, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ नीचे। यहाँ पे लिखते हैं टी मैक्स माइनस टी एस इज इक्वल टू क्यू जी आर स्क्वायर बाय फोर के, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके सामने बस इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको कुछ समझाना है। देखो अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो अब आपको कोई न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी होंगे जो इन दोनों को मिला के सॉल्व होंगे, ठीक है। तो उन न्यूमेरिकल्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस क्या है, देखो अगर इन केस आपको मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है। इन केस आपको सरफेस टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो आप ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो और ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ टी इनफाइनाइट यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो आपको ये, जब भी सराउंडिंग का मेंशन होगा तो आपको ये इक्वेशन तो यूटिलाइज करनी है, ठीक है। अगर आपको सराउंडिंग में कुछ भी दिया है, एच वैल्यू दी है, ठीक है, या सराउंडिंग से रिलेटेड कुछ भी बोला है, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है, तो ये इक्वेशन तो प्ले में आनी ही आनी है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी गोइंग टू कम इन टू प्ले, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दोनों इक्वेशन का यूटिलाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। दोनों इक्वेशन का यूटिलाइज़ कैसे करना पड़ता है, जैसे इन केस आपको टी इनफाइनाइट नहीं दिया, सॉरी टी सरफेस टेम्परेचर नहीं दिया, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर नहीं दिया और आपको हीट जनरेटेड पूछा, क्यू जी पूछ लिया, तो आपको दो इक्वेशन, देखो सरफेस भी दिया है क्यू जी भी दिया है, सरफेस भी दिया है क्यू जी, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इन दोनों का यूटिलाइज़ करके क्यू जी या फिर सरफेस टेम्परेचर निकालना था। तो कैसे निकालते हैं उसको एक बार देख लो, इन दोनों को मैं यूटिलाइज़ करूँगा, तो इसकी जगह पे टी एस की जगह मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ इसकी, ठीक है, टी इनफाइनाइट प्लस क्यू जी आर बाय टू एच, तो ये क्या हो जाएगा, टी एम कैन बी रिटन एज टी एस प्लस में चले जाएगा, तो टी एस क्या है, टी इनफाइनाइट प्लस क्यू जी आर बाय टू एच प्लस क्यू जी आर स्क्वायर बाय फोर के, ठीक है। अगर आपको सरफेस टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप जो ये इक्वेशन है इसको आप डायरेक्टली यूटिलाइज करके मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखी है क्योंकि अभी आगे मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, जो न्यूमेरिकल होगा वो आपका उस न्यूमेरिकल में आपका ये इक्वेशन डायरेक्टली यूटिलाइज हुई है। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ सरफेस टेम्परेचर की जो वैल्यू थी वो यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए और वहाँ से मैंने टी मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल लिया, ठीक है, और कुछ अलग नहीं किया है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, एक बार आप इस फॉर्मूले को अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैंने जो किया वो आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार कॉपी में लिख लो और आगे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
ठीक है, तो दिस इज योर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल व्हाट डज इट से कि द मीट रोल्स ऑफ 25 मिलीमीटर डायामीटर हैविंग कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस आर हीटेड अप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग फॉर रोस्टिंग। द सेंटर टेम्परेचर ऑफ द रोल इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। द हीट ट्रांसफर कोफिशियंट ऑन द सर्फेस ऑफ द मीट रोल इज 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। फाइंड द माइक्रोवेव हीटिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड इन वॉट पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो आपको गिवन क्या क्या है, आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, डायमीटर डिवाइडेड बाय टू, कंडक्टिविटी गिवन है, मीट रोल बोला है तो इट इज़ अ केस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हीट कर रहे हैं हम उसको, सेंटर का टेम्परेचर दिया है, सेंटर का टेम्परेचर यानी दिया है यानी क्या दिया है, मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है यानी क्या दिया है, टी इनफाइनाइट दिया है, ठीक है। द हीट ट्रांसफर कोफिशियंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीन एच की वैल्यू आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको क्यू जी निकालना है, ठीक है, तो आपको क्यू जी निकालना है, तो सिंपली जो भी आपकी इक्वेशन मैंने इतनी बड़ी सी लिखवाई थी उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और वहाँ से आपका क्यू जी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, आपको आर गिवन है, आपको आर गिवन है 0.0125 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कंडक्टिविटी गिवन है 1 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, वैसे नो नीड टू कन्वर्ट इन केल्विन, ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टी ए सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है, टी इनफाइनाइट गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करके 303 केल्विन। हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट की वैल्यू गिवन है 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको माइक्रोवेव हीटिंग कैपेसिटी पूछा, यानी आपको क्या पूछा है, क्यू जी आपको पूछा गया, ठीक है, तो क्यू जी आपको पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला जो आपका हमने लिखवाया था उसको यूटिलाइज करना है और डायरेक्टली आपको आंसर करना है, ठीक है। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स एट द सेंटर एंड इट इज़ गिवन बाय, ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला है आपको लिखवाया था ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे आपको सब चीज़ वैल्यू गिवन है, टी मैक्स की वैल्यू गिवन है 373, टी इनफाइनाइट की वैल्यू गिवन है 303, क्यू जी की वैल्यू आपको पता करनी है, आर गिवन है 0.0125, टू इंटू एच गिवन था, क्यू जी इंटू आर स्क्वायर इंटू अपॉन 4 इंटू के, के वन है, ठीक है, सब आपने वैल्यूज पुट करी तो आपका क्यू जी क्या आ जाएगा फाइनली 1.991 इंटू 10^5 वॉट पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल था ना ही, तो देखो अब तुम सोच रहे हो यार इतने ईजी न्यूमेरिकल, यार देखो जो गेट होता है ना, गेट के एग्ज़ाम में आपके 85% जो न्यूमेरिकल आएंगे ना बहुत इजी होंगे, ये आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, ठीक है, जब आप गेट का एग्ज़ाम दोगे, जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो 85% जो न्यूमेरिकल थे, 85 मार्क्स के मेरे जो न्यूमेरिकल या फिर जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे, ठीक है, इतने ईजी थे कि आपको अगर फार्मूला पता हो, उस फार्मूले को अच्छे से पता काम मतलब यूटिलाइज़ करना आता है तो आप डायरेक्टली आप बहुत ईजीली उनको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों के मार्क्स क्यों आते हैं, देखो बच्चों के मार्क्स इसलिए नहीं आते ना बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी। इसमें क्या है, आपको जो ये आंसर है ना 1.991 × 10^5, आपको इस आंसर में एक बार में पहुंचना है, मतलब बिना किसी गलती के, ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है काफ़ी गलतियां हों आपकी, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो एक्यूरेसी भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका काम ये है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल या फिर बहुत बार न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बिल्कुल हर एक चैप्टर से आपको 50-60 न्यूमेरिकल, पर जैसे आपने आज कंडक्शन चैप्टर पढ़ लिया तो आपको इससे कम से कम 150-200 न्यूमेरिकल करने चाहिए सिर्फ कंडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। क्यों क्यों करने, एक तो आपको ये आइडिया आएगा कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, कैसी कैसी डिफरेंट अप्रोच लगाते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। दूसरा आइडिया, दूसरा चीज़ क्या होता है, आपको आपकी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, तो एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने मेरी फर्स्ट लेक्चर जो आपका मोटिवेशनल वीडियो थी जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था वो दिखी होगी, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि गेट इट इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी जितनी अच्छी है आपकी गेट में रैंक उतनी अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो अब बस आपका काम क्या है, इस आंसर तक पहुंचना इन वन शॉट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं केस फोर।
केस फोर क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल जो हमने जो जो चीज़ें हमने अभी तक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर के लिए देखी हैं वही वो चीज़ें हमें किसके लिए देखनी है, सॉलिड स्फेयर के लिए देखनी है। ठीक है, तो जो जैसा हमने वहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़े थे वहाँ पे जो जो चीज़ें हमने जैसे बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी, ठीक है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाई थी, फिर एक बार टी मैक्स और टी एस के बीच में सरफेस के बीच में रिलेशन निकालता, फिर टी सरफेस और टी इन्फाइनाइट के बीच में रिलेशन निकालता, तो सेम टू सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी वही करनी है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो केस हो रहा है हीट जनरेशन इन सॉलिड स्फीयर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे वी हैव कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, पूरी जो सर्फेस है वो टी एस टेम्परेचर पे मेंटेन्ड की है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होने वाला है, जो सेंटर है वहाँ पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाला है बिकॉज ऑफ सिमिट्री। ठीक है, सिमिट्री की वजह से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका वो सेंटर पे आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द फूरियर सेकेंड लॉ फॉर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, 1/r² डेल बाय डेल आर ब्रैकेट में r² डेल टी बाय डेल आर प्लस qg/k इज इक्वल टू 1/α डेल टी बाय स्मॉल टी। ठीक है, सिंस इट इज़ अ केस ऑफ स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का केस है तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी जीरो। रिमेनिंग टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, डेल बाय डेल आर ब्रैकेट में r² डेल टी बाय डेल आर इज इक्वल टू -qg r² / k। ठीक है, ये आर कैसे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट करेंगे इस स्टेप से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करके आपका क्या आएगा, r² डेल टी बाय डेल आर। ठीक है, ये टी नहीं है ये आर है, डेल टी बाय डेल आर इज इक्वल टू -qg r³/3k प्लस c1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा एक कांस्टेंट आ चुका है c1, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमको c1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो c1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली वही केस करेंगे, एट r = 0 डेल टी बाय डेल आर इज गोइंग टू बी जीरो। तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, ये दोनों जीरो होने वाले हैं, तो जो आपका c1 आएगा कॉन्स्टेंट टर्म वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका c1 जीरो आ गया। ठीक है, तो c1 जीरो आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम वैसे लिख रहे हैं, डेल टी बाय डेल आर इज इक्वल टू -qg r³/3k। आर क्यूब कहाँ गया, दिस r² से आर क्यूब आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका रिमेनिंग टर्म बचा। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट टी इज इक्वल टू -qg r² / 6k + c2। ठीक है, अब हमारा एक और कांस्टेंट टर्म आ गया c2। c1 हमने फाइंड आउट कर लिया था जीरो, वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, c2 हमें फाइंड आउट करना है। तो c2 फाइंड आउट करने के लिए हमारी दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, दिस इज आवर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, एट r इज इक्वल टू कैपिटल आर सरफेस पे जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होने वाला है, किसके बराबर होने वाला है, सरफेस टेम्परेचर के बराबर। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल आर एंड t इज इक्वल टू कैपिटल सॉरी t इज इक्वल टू टी एस। ठीक है, तो ये जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो c2 की वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, c2 इज इक्वल टू TS +qg r² / 6k। ठीक है, तो C2 जो C2 की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, T इज इक्वल टू -qg r² / 6k प्लस TS +qg r² / 6k। तो TS को हम लेफ्ट साइड ले गए तो ये हो गया T -TS, राइट साइड पर बचा qg r² / 6k ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, 1 - r / R² ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज अवर इक्वेशन 1। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं, तो एट r = 0 जब हमारा r 0 है, यानी जब r 0 है का मतलब सेंटर लाइन जो है। ठीक है, तो जब हमारा r = 0 है तो हमारा t किसके बराबर है, t मैक्स के। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम r को 0 पुट कर रहे हैं, स्मॉल r को 0 पुट कर रहे हैं और t किसके बराबर लिख रहे हैं, t मैक्स। तो हमारी जो नई इक्वेशन बननी है वो क्या बनने वाली है, टी मैक्स -TS इज इक्वल टू qg r² / 6k। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन बनी आपकी, दिस इक्वेशन मैंने ब्रैकेट में पुट नहीं किया था बॉक्स में, तो ये आपको रिमेम्बर करनी है। ठीक है, टी मैक्स -TX इज इक्वल टू qg r² / 6k। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेम टू सेम सिलेंडर की तरह है। डिफरेंस कितना आया है कि जो यहाँ पे 6k 6 है वहाँ पे क्या था, 4 था। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इन केस ऑफ सिलेंडर स्फीयर इट इज 6 एंड इन केस ऑफ
सिलेंडर इट हैज़ फोर, ठीक है। तो ये तो हो गया ये, ठीक है। तो आप बाकी इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करेंगे तो आपका क्यू जी आर स्क्वायर बाई सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, टी माइनस टी एस इज इक्वल टू टी मैक्स माइनस टी एस इज इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये तो आपकी सेम टू सेम किसकी तरह आ गई, सिलेंडर की तरह। तो ये आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दिस इज योर स्फीयर, ठीक है। सरफेस का टेम्परेचर टी एस है, ठीक है, टी एस सरफेस का टेम्परेचर है। सराउंडिंग का टेम्परेचर टी इनफाइनाइट है। हीट कन्वेक्शन कॉफिशेंट की वैल्यू एच है, ठीक है। सिंस मैक्सिमम टेम्परेचर अंदर सेंटर पे लाई कर रहा है, तो जो आपकी हीट होगी वो कैसे फ्लो होगी, आउटवर्ड। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ इन केस ऑफ सिलेंडर, तो स्फीयर में दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। आउटवर्ड इसलिए फ्लो हो रही है बिकॉज सेंटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर लोअर टेम्परेचर की साइड हीट फ्लो होगी। तो इसके लिए आप एनर्जी बैलेंस लिखेंगे, क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस क्यू जनरेशन इज इक्वल टू क्यू स्टोरेज। क्यू इन इज गोइंग टू बी जीरो, क्यू स्टोरेज इज गोइंग टू बी जीरो बिकॉज ऑफ स्टडी स्टेट। तो जो रिमेनिंग टर्म है क्यू जनरेशन इज इक्वल टू क्यू आउट, सेम टू सेम सिलेंडर की तरह। क्यू जनरेशन को हम लिख सकते हैं क्यू जी इन टू वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल टू एच ए इन टू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू जी इंटू वॉल्यूम की वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज फोर बाई थ्री इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एच इंटू एरिया, एरिया का होगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फोर पाई आर स्क्वायर इंटू जो रिमेनिंग टर्म है उनको ऐसे एज इट इज रहने दें, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर पाई से आपका फोर पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आपका ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म यहाँ पे आर बचा, ठीक है। तो बाकी आप जो बचे टर्म्स हैं उनको आप लिखोगे तो आपका क्या बच रहा है, टी एस इज इक्वल टू टी इनफाइनाइट प्लस क्यू जी आर बाय थ्री एच, ठीक है। तो ये भी आपको इक्वेशन याद करनी है, ठीक है, सेम टू सेम सिलेंडर के किस की तरह है, डिफरेंस कितना है वहाँ पे, यहाँ पे टू एच था, यहाँ पे थ्री एच है, ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, अब देखो देखो यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। अब ये जो न्यूमेरिकल है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, मतलब अच्छा इन द सेंस कि आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, कि किसी भी जो प्रॉब्लम है कोई अप्रोच कैसे करते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, बिना सोल्यूशन देखे। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर पाते हैं, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। लेकिन आप जब मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराऊं तो एक बार इसकी मेरी जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको उसकी अप्रोच पे ज़रूर गौर कीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन रीड आउट करते हैं आपके लिए। द टेम्परेचर अक्रॉस अ वॉल वन मीटर थिक एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक इंस्टेंट पे वॉल टेम्परेचर इज गिवन एज दिस, इट इज़ गिवन एज ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर ए इज 900 डिग्री सेल्सियस, बी इज माइनस 300 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, सी इज माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेयर टेम्परेचर, वेयर टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस एंड एक्स इज इन मीटर, ठीक है। अ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन ऑफ 100,000 वॉट पर मीटर क्यूब इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हैविंग द प्रॉपर्टीज, वॉल की प्रॉपर्टीज दी हैं, डेंसिटी इज 1600 केजी पर मीटर क्यूब, कंडक्टिविटी दी है 40 वॉट पर मीटर केल्विन, सीपी स्पेसिफिक हीट दी है, सीपी इज इक्वल टू 4 किलो जूल पर केजी, ठीक है। डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंटर द वॉल, ठीक है, सेकेंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लीविंग द वॉल, थर्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोरेज, फोर्थ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 एंड एक्स इज इक्वल टू 0.25, ठीक है, ये चार चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है उन्होंने, ठीक है, आपका हीट जनरेशन भी इंक्लूड कर दिया है, टेम्परेचर प्रोफाइल आपकी इंक्लूड कर दी है, और साथ ही साथ क्यू स्टोरेज भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने
कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट मेंशन नहीं है, तो आप जो अभी तक आपका जो क्यू स्टोर्ड या फिर डेल टी बाय डेल स्मॉल टी वाला टर्म ज़ीरो ले रहे थे वो ज़ीरो अब आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो वो टर्म अब आप ज़ीरो नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो न्यूमेरिकल करना कैसे है, ठीक है, तो हमको दिया है टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है, यही चीज़ हमको चाहिए होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ, देखो बेसिक्स स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पता लगाते हैं कि इसमें हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या क्या है, ठीक है, मतलब क्यू इन किस डायरेक्शन जा रहा है, क्यू आउट किस डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, क्यू जनरेशन के बारे में तो हमें पता है, क्यू स्टोरेज हमें निकालना है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले जो ये टेम्परेचर प्रोफाइल है ना, इससे पता करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाला है वो वॉल के कहाँ आने वाला है, ठीक है, वॉल के किस साइड पर आने वाला है। तो उसके जो न्यूमेरिकल है वो देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे, ठीक है, दिस इज़ एवरीथिंग विच इज़ गिवन, वॉल दी है, ठीक है, दिस इज़ योर वॉल, दिस इज़ योर वॉल, क्यू जनरेशन दिया है 1000, एरिया दिया है 10 मीटर स्क्वायर, लेंथ दी है 1 मीटर, ठीक है, दिस इज़ एक्स इजक्ल टू 0, दिस इज़ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज दी है, डेंसिटी दिया है 1600 kg/m³, कंडक्टिविटी दी है 40 W/m³, स्पेसिफिक हीट दी है 4 kJ/kg, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा फाइंड आउट करना है कि जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, तो दिस इज़ योर टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है, ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल हो गई, ठीक है। तो ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर लोकेशन ऑफ टी मैक्स वी हैव टू पुट डेल टी बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, मैक्सिमम मिनिमम जैसे मैथमेटिक्स में फाइंड आउट करते हैं, सेम टू सेम वही चीज़ करनी है। तो डेल टी बाई डेल एक्स आप करोगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बी हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2ACX हो जाएगा, उसको 0 के बराबर पुट किया तो हमारा जो एक्स आ जाएगा एक्स इक्वल टू -2B/2C, ठीक है। तो बी और सी की वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारा जो फाइनल जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है -3 मीटर। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात समझने लायक है, सिंस हमने ये कंसिडर किया है कि दिस इज़ अवर रेफरेंस लाइन, ठीक है, एक्स इजल टू 0 हमने कंसिडर किया, ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट टी मैक्स विल बी द आउटसाइड द टेम्परेचर, ठीक है, इस डायरेक्शन में तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज आने वाली है पॉजिटिव आने वाली है, और इस डायरेक्शन में क्या आने वाली है, एक्स की जो भी वैल्यू है नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है वो किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, यानी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इस साइड का होगा, हमें पता नहीं है कहाँ है इधर साइड, लेकिन लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या पता चलती है, देखो इससे हमें पता चल रही है कि जो हीट फ्लो का डायरेक्शन होने वाला है वो हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम टेम्परेचर की तरफ होता है, तो जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर वो जो हीट फ्लो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, देखो यहाँ पे गौर करना, जो हमारा हीट फ्लो होने वाला है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, क्यों होने वाला है, बिकॉज हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर हैज़ कम इन टू लेफ्ट साइड, ठीक है, तो जो हमारा हीट फ्लो डायरेक्शन है वो इस साइड, यानी हमारा कुछ हीट जो होगी एंटर कर रही होगी, कुछ हीट लीव कर रही होगी, ये वो भी निकालेंगे वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमको बेसिक ये पता होना चाहिए कि हमारी जो हीट है वो ट्रैवल कैसे कर रही है, किस डायरेक्शन में हमारी जो हीट है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, क्यों था इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद आगे जो न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्यू इन कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब सिंपली देखो, अब हमें पता है जो हीट है हमारी वो लेफ्ट साइड से एंटर करने वाली है, ठीक है, इस डायरेक्शन से आपकी हीट एंटर कर रही है, ठीक है। तो क्यू इन कैसे निकाल सकता हूँ मैं, क्यू इन को मैं लिख सकता हूँ -KA dT/dx एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं dT/dx, क्योंकि मुझे टेम्परेचर प्रोफाइल पता है, dT/dx निकाल सकता हूँ एट एक्स इक्वल टू 0, तो मुझे क्या आ जाएगा कि कितनी हीट एंटर कर रही है बॉडी में, ठीक है। तो जब तुम ये निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 120 kW। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जब आप क्यू आउट निकालोगे, क्यू आउट कैसे निकला, क्यू आउट भी सिमिलर निकलेगा, KA dT/dx और एट x इक्वल टू 1, तो क्यू आउट कैसे निकला, K-KA dT/dx एट x इक्वल टू 1, ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया 160 kW। क्यू जनरेशन हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यू जी हमें पता है इनटू वॉल्यूम पता है, क्यू जी 1000 W/m³ था, वॉल्यूम क्या था, एरिया हमको गिवन था 10 m², लेंथ गिवन है 1, ठीक है, तो आपका क्यू जनरेशन कितना हो गया 10 kW, दिस इज़ योर क्यू जनरेशन, ठीक है। तो एनर्जी बैलेंस निकालेंगे,
एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, सॉरी इस क्वेश्चन में इस बॉडी के लिए हम एनर्जी बैलेंस लगा रहे हैं, तो एनर्जी बैलेंस लगाया क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस क्यू जनरेशन इज इक्वल टू क्यू स्टोर्ड। सारी वैल्यूज हमें पता है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, क्यू स्टोर निकालना है, क्यू इन पता है, क्यू आउट पता है, क्यू जनरेशन, क्यू स्टोर निकालना है, तो क्यू स्टोर निकल जाएगा, निकल जाएगा बिल्कुल बहुत ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है 120 माइनस 160 प्लस 10 इज इक्वल टू क्यू स्टोर, तो क्यू स्टोर क्या कितना आ जाएगा आपका माइनस 30 किलोवाट। तो आपका जो क्यू स्टोर आ गया माइनस 30 किलोवाट आ गया। ठीक है, तो एक पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक पार्ट नहीं सॉरी तीन पार्ट आपके सॉल्व हो चुके हैं। कैसे, एक आपको क्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्यू इन पूछा था, क्यू आउट पूछा था और क्यू स्टोर। ठीक है, कि एनर्जी चेंज कितना हो रहा है, तो आपका ये एनर्जी चेंज, दिस इज योर एनर्जी चेंज। ठीक है, ये आपका एनर्जी चेंज है। फॉर अब चौथा जो पार्ट था उसमें हमको निकालना था कि टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, उसके लिए हमें जो फूरियर सेकेंड लॉ है वो लगाना है। ठीक है, व्हाट इज फूरियर सेकेंड लॉ फॉर प्लेन वॉल, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्यू जी बाय के इज इक्वल टू वन बाय अल्फा डेल टी बाय डेल टी। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर प्रोफाइल आपको गिवन थी, ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल आपको गिवन है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल आपको गिवन है तो आप वहाँ से डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर की टू सी। ठीक है, क्यू जी बाई के को सेम टू सेम रहने दिया, वन बाय अल्फा डेल टी बाई डेल टी को सेम टू सेम रहने दिया। इसमें हमको सिर्फ एक टर्म निकालना है और वो क्या है, डेल टी बाई डेल टी। ठीक है, दिस इज टर्म वी हैव टू कैलकुलेट, तो इस टर्म को आप लेफ्ट साइड पर है, बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको राइट साइड पर लिया है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा क्या होता है के बाय रो सी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। बाकी जो टर्म्स हैं सेम टू सेम रहने दिया, सबकी वैल्यू पता है आपको, कंडक्टिविटी पता है, रो पता है, सी पी पता है, क्यू जी पता है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.68 × 10⁻⁴। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें कोई भी जो जो आपकी जो वैल्यू आई है डेल टी बाय डेल टी, यानी जो टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, वो एक्स के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि कोई सी भी लोकेशन पे, मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कोई भी तुम लोकेशन पे जाओ दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो जो आपका डेल्टी बाय डेल्टी है वो फिक्स है 4.68 × 10⁴। ठीक है, तो जो फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन था उसमें हमें दो चीज़ पूछी गई थी, एट एक्स इक्वल टू, दो जगह पे पूछा गया था हमें, एट एक्स इक्वल टू 0.5 और एक्स इक्वल टू 0.25, मतलब दो लोकेशन पूछा गया था कि एक्स इक्वल टू 0.25 पे कितना होगा और एक्स इक्वल टू 0.5 पे कितना होगा। तो दोनों जगह पे हमारा सेम होगा, क्यों क्यों सेम होगा, क्योंकि जो हमारा डेल टी बाय डेल टी आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो दिस इज़ द अप्रोच। ठीक है, ये आपकी अप्रोच होगी किस तरह की, तो हाउ करता हूँ, आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आएगा, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको। ठीक है, एक बार आप इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा न्यूमेरिकल, उसके बाद जब नहीं समझ में आता है तब आप सॉल्यूशन और वीडियो देखिएगा। ठीक है, और लेकिन ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें आपको बहुत चीज़ें आइडिया लग जाती है। ठीक है, कि कैसे आपको न्यूमेरिकल को फॉलो करना आगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है, दिस न्यूमेरिकल इज आस्क्ड इन गेट। ठीक है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आ जाती है तो बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, देखो देखने में बहुत डरावना लग रहा है न्यूमेरिकल, लेकिन जब तुम इसको समझ जाओगे ना तो बहुत इजी है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कह रहा है कि स्टडी स्टेट 2D हीट कंडक्शन टेक प्लेस इन अ बॉडी एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन टेक प्लेस कर रहा है। अब देखो, हमने अभी तक टू वन डायमेंशन बनाया, तो बच्चे हो सकता है कि टू डायमेंशन देखते ही डर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे डरना नहीं है, डरना क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, बॉडी एज शोन इन द फिगर इन नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, इफ इन फिगर नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर द सरफेस पी, दिस इज सरफेस पी एंड दिस इज सरफेस क्यू। ठीक है, द टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर सरफेस पी एंड क्यू टू बी कंसिडर्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, इस बोला है कि इस सरफेस पे जो नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म है वो हर जगह पे, मतलब जो जो यूनिफॉर्म होने कहने का मतलब जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे है, वैसे यहाँ पे, मतलब हर जगह पे टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे सेम है। सिमिलरली फॉर सरफेस क्यू, इस डायरेक्शन में यहाँ पे हर पॉइंट पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो आपका कॉन्स्टेंट है।
इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल टी बाय डेल एक्स एट सरफेस क्यू, ठीक है, क्यू के लिए डेल टी बाय डेल एक्स की वैल्यू की दी दी है 10 केल्विन पर मीटर, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये आपको दिया है 10 केल्विन पर मीटर, ठीक है, पॉजिटिव में दिया है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। सरफेस पी एंड क्यू आर मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो पी है और क्यू है पूरी जो सरफेस है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन है, मतलब पूरी पी का जो टेम्परेचर है, ये पूरी पी सरफेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, ऐसे ही जो जो सरफेस क्यू है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, ठीक है, ठीक है। वाइल द रिमेनिंग सर्फेस इज वेल इंसुलेटेड, बाकी जो रिमेनिंग सर्फेस है मतलब ये और ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका कैसा है, इंसुलेटेड है, ठीक है। कंडक्टिविटी वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है के इज इक्वल टू 0.1 वॉट पर मीटर केल्विन, किसकी कंडक्टिविटी, जो इंसुलेशन है उसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, सॉरी द बॉडी, सॉरी बॉडी की कंडक्टिविटी दी है, आई एम सो सॉरी, द बॉडी कंडक्टिविटी इज गिवन एज 0.1 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। तो हमको पूछा है डेल टी बाय डेल एक्स कितना होगा एंड डेल टी बाय डेल वाई वाई कितना होगा फॉर सरफेस पी एंड क्यू, ठीक है, पी और क्यू सरफेस के लिए डेल टी बाई डेल एक्स और डेल टी बाई डेल वाई क्यू सरफेस के लिए कितना होगा। तो देखो सिंपली कोई एक चीज़ तो हम बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं, वो है डेल टी बाई डेल एक्स फॉर सरफेस पी। कैसे, इन्होंने कहा है कि हमारी जो ये पी सरफेस है ना, सॉरी जो ये पी सरफेस है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, मतलब कि हर पॉइंट पे इस पूरी पी सरफेस पे को सरफेस जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यानी तुम ऐसे कह सकते हो कि जो टेम्परेचर है इस सरफेस पे वो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर सरफेस पी इस टेम्परेचर इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नो, क्योंकि हर जगह पर टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल टी बाई डेल एक्स क्या होने वाला है पी के लिए, जीरो होने वाला, नहीं होने वाला है, तो बस सिंपली, तो ये आपका डेल टी बाई डेल एक्स तो सिंपल ऐसे निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट जो निकालना है डेल टी बाई डेल वाई क्यू के, अब इसको कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली एनर्जी बैलेंस निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई हीट जनरेशन का नहीं मेंशन है, ना कोई हमें क्यू स्टोर के बारे में बताया गया, ठीक है, स्टडी स्टेट दिया गया, तो यानी कोई हीट स्टोरेज भी नहीं है, तो अपना कुछ नहीं है, जो क्यू इन होने वाला है वो क्यू आउट के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो सिंपली यही पुट करना है आपको, क्यू इन इक्वल टू क्यू आउट, तो सिंपली आपने वैल्यू पुट करी के क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के ए डेल टी बाई डेल वाई पी फॉर सरफेस पी, क्यू आउट कहाँ से हो रहा है, हीट आउट आउट कहाँ से निकल लिए क्यू से, तो हीट आउट क्या हो जाएगा, माइनस के ए डेल टी बाई डेल एक्स एट क्यू, ठीक है, ये हो गया। के से आपका के कैंसिल हो गया, एरिया, अब देखो एरिया, एरिया यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो आपका जो ये सरफेस है गिवन थी 1 मीटर और ये सरफेस थी 2 मीटर गिवन, ठीक है, तो ये आपका क्या समझ, इससे आपका क्या समझ में आ रहा है, फॉर सरफेस क्यू द एरिया इज डबल द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ पी, ठीक है, तो यानी जो इसका एरिया है वो उसके डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया को 1 यूनिट ले सकता हूँ, 1 डेल टी बाई डेल वाई पी, ठीक है, ए एरिया क्या हुआ, ये किसके, यहाँ पर जो एरिया है वो किसके लिए, सरफेस क्यू के लिए, तो एरिया इज 2 डेल टी बाई डेल एक्स इज 10, ये गिवन है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल टी बाई डेल वाई क्या जाएगा आपका 21 केल्विन पर मीटर, तो था नहीं था बहुत इजी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, बट आपको समझना है कि गिवन क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो न्यूमेरिकल विल बी वेरी इजी। एक बार आप दोबारा से देखिए वीडियो को, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल और बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल था, ठीक है, ओके, थैंक यू, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल बताइए मेरे को, कि सर आप वीडियो में ये चीज़ सुधारिए या फिर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बढ़ाइए। देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो मैं नहीं करवा सकता क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कितने सर, बट फिर भी मैं डिफरेंट टाइप के इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ थोड़े डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको दूँ, ठीक है, आपको ताकि अप्रोच समझ में आए, मेन चीज़ होती है अप्रोच, ठीक है, कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो चीज़ समझ में आए। तो और भी कुछ भी अगर आपको गलतियाँ लगती है तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बताइएगा क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मेरे को, चलो ठीक है, थैंक यू।